In this video lecture, I will talk about connected component labeling concept. Basically, it's a two-pass algorithm. Two-pass algorithm is इस वजह से कहते हैं कि in one pass we assign some labels and in second pass जो हमें क्या करना पड़ता है based upon some conflicts हमें reassignment of labels करनी पड़ती है. सो इसमें जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ दिस इज़ माय पिक्सल तो मुझे देखना है इससे अबव और इससे बिहाइंड. अगर तो इसे अबव कोई लेबल है तो वो इसे मिल जाएगा, या अगर इसे बिहाइंड कोई लेबल है तो वो इसे मिल जाएगा. और अगर ऐसा केस आता है जैसे यहाँ पे है, इसके अबव भी कोई लेबल है और इसके बिहाइंड भी कोई लेबल है, ठीक है. सो इन अ केस लाइक दिस, यहाँ पे अगर इसके अबव भी कोई लेबल है, बिहाइंड भी है और वो दोनों सेम है, तो वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा. और अगर वो लेबल फ़र्क है, लेट्स सपोज यहाँ पे आई हैव टू एंड यहाँ पे आई हैव वन, तो यहाँ पे इसमें से जो स्मॉलेस्ट है वो कॉपी हो जाएगा. जो भी आपके पास स्मॉलेस्ट लेबल होगा वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा. और इसके बाद इस तरह से हम वन पास जो है अभी कैलकुलेट करते हैं. लेट्स सी ये आपके पास एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है. इट वर्क रो बाय रो. फर्स्ट रो को हम लेके चलते हैं. स्टार्ट में हमारे पास जो जो सी सी जो लेबल है दैट इज़ ज़ीरो, कोई भी कनेक्टेड नहीं है. सो हम एज्यूम करते हैं जैसे ही कोई पहला वन मिलेगा तो विल से इट एज अ वन. फिर हमें अब हम इससे जब नेक्स्ट जा रहे हैं तो ये रूल अप्लाई हो रहा है जी. यहाँ से हमने देखा कि इससे पीछे क्लॉज लेबल था दैट वाज वन, हमने वन यहाँ पे कॉपी कर लिया. फॉर दिस केस इसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, पीछे आ गई हैव ज़ीरो, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, एक नया लेबल इसे असाइन होएगा और वो हम क्या कहेंगे कि असाइन इट एज टू. अब इसके बाद आने वाले जो हैं ऑब्वियसली वो टू के साथ कनेक्टेड होंगे तो वी से इट 2 and 2. अगेन हेयर हमारे पास इससे अबव और बिलो, अबव या बिहाइंड कोई भी जो है वो वन नहीं है या कोई भी ऐसा लेबल नहीं है जिससे हम इसे कनेक्ट कर सकें तो इसे इट एज 3. नो फॉर दिस अब ये अबव वन के साथ कनेक्टेड है सो वी नेम इट एज 1. ये भी वन के साथ कनेक्टेड है और सेम लेबल हमारे पास आ रहे हैं 1 1, तो वी से इट एज 1. अब इससे नेक्स्ट गए तो यहाँ पे दिस वन इज कनेक्टेड विद द अबव 2, तो ये 2 के साथ कनेक्टेड है. ये भी आपके पास इस वाले जो है वो 2 के साथ कनेक्ट होगा तो से इट एज 2. अब यहाँ पे ये जो 1 है दिस इज कनेक्टेड विद द अबव 1 जिसका लेबल 3 था, वी से इट एज 3. इसी तरह से वी प्रोसेस 1 1 1 एंड नाउ हेयर इट इज. हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ गया. सो हमने क्या कहा था कि हम इसमें से मिनिमम को असाइन कर देंगे, जो लेफ्ट पे है वो वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी, वी से इट एज 1. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क्स था दिस विल बी फिल्ड बाय 1. अब इससे नेक्स्ट चले तो ये 3 के साथ कनेक्टेड था, देन अगेन हम आए तो ये 3 के साथ कनेक्टेड था, ठीक है. ज़ीरो को हम एज अ बैकग्राउंड कंसिडर करके वी लीव दिस एज अ बैकग्राउंड, तो ज़ीरो को हम इसमें कैटर नहीं कर रहे, वी आर रिज्यूमिंग दीज आर पिक्सल्स फ्रॉम बैकग्राउंड. सो अब अगेन वी हैव अ वन हेयर. अब इसके अबव या बिहाइंड हमारे पास कोई भी लेबल, कोई भी वन नहीं है जिसके साथ ये अटैच हो, या कोई भी लेबल नहीं है जिसके साथ ये अटैच हो, तो हम क्या करेंगे इसे एक नया लेबल असाइन कर देंगे 4. फॉर दिस वन हमारे पास ऑब्वियसली ये इससे प्रीवियस वन जिसका लेबल 4 है उससे कनेक्टेड था, तो इसे इज एज 4 4. यहाँ पे हर जगह 4 आ जाएगा. नाउ वी गेट अ 0. अब यहाँ पे क्या हुआ, वी आर गेटिंग 1 हेयर. तो अगेन इसके अबव और बिहाइंड हमारे पास कोई भी लेबल नहीं है, तो वी असाइन इट अ न्यू लेबल 5. यहाँ पे एज इट इज़ ये ऑब्वियसली अबव के साथ ये कनेक्टेड है, ये वाला केस चल रहा है फॉर द सेक ऑफ 3, ठीक है. दैट्स वाई हम क्या करी जा रहे हैं, इस 3 को यहाँ पे कनेक्ट करी जा रहे हैं. सो इन दिस थिंग ये अबव किसके साथ कनेक्टेड है, इट्स कनेक्टेड विद 4. अब यहाँ पे
अब हम आ गए जी ऑन दिस वन। अभी अबव और बिहाइंड किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसे एक नया लेबल असाइन करना चाहिए। नाउ दिस विल बी सिक्स, दिस विल बी सिक्स, एंड हेयर वी हैव अ कन्फ्लिक्ट। अबव फोर के साथ कनेक्टेड है, बिहाइंड ये सिक्स के साथ कनेक्टेड है, तो हम इसे फोर के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि मिनिमम लेबल हमारे पास होगा। सो अगेन ये सिक्स के साथ कनेक्टेड है। अब सिक्स के साथ क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि इट्स कनेक्टेड विद द अबव पिक्सल और अबव पिक्सल इज सिक्स। अब इसी तरह से ये भी सिक्स के साथ कनेक्टेड है, ये भी सिक्स के साथ कनेक्टेड है, और नाउ वी हैव अ कन्फ्लिक्ट एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे ये फोर और सिक्स दोनों के साथ कनेक्टेड है, तो वी असाइन इट एज फोर। इसी तरह से आगे जाने देंगे। अब इन दो पिक्सल्स की बात आ गए, इन दो पिक्सल्स में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अबव भी नहीं है, बिहाइंड भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे एज अ सेवन कंसिडर करेंगे। और क्योंकि इससे पिक्सल जो वन है वो सेवन लेबल है, तो हमने इसे सेवन कह दिया। और इसके बाद वी हैव अ कन्फ्लिक्ट एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे थ्री और सेवन ये दोनों के साथ कनेक्टेड है, तो हम थ्री लेबल करेंगे। सो दिस इज पास वन ऑफ आर टू स्कैन एल्गोरिदम। ये टू स्कैन एल्गोरिदम जो हम कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए यूज कर रहे हैं, उसका पास वन था। पास टू में क्या होगा, पास टू में हम देखेंगे कि जिस तरह से वन जो है वो टू के इक्वल है, उसका मतलब है वन और टू पिक्सल्स आर कनेक्टेड। तो हमें क्या करना होगा, जहाँ जहाँ टू है वहाँ वहाँ पे हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, वन रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली ये फील इस तरह की दे रहा है कि दिस इज अ वन सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट। ये एक सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट है, इसी तरह से ये भी एक सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट है। दिस वन इज ऑल्सो अ सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट। और यहाँ पे सॉरी एक पिक्सल हम मिस कर रहे थे जो कि फाइव के साथ कनेक्टेड था, सो फाइव हियर। अब अगर मैं देखूँ तो आई हैव अ कनेक्टेड कंपोनेंट हियर। तो जो इसमें से डिडक्शंस थी वो क्या थी, हमारे पास डिडक्शंस ये थी कि वन इज इक्वल टू टू, वन और टू कनेक्टेड हैं, सो हमें इसे क्या कहना है, वी हैव टू से इट एज वन। सेवन और थ्री कनेक्टेड हैं, सो वी कॉल इट एज थ्री एज अ होल। इसी तरह से फोर, सिक्स और फोर कनेक्टेड हैं, तो हमें क्या कहना है, वी से इट एज अ फोर। सो लेट्स सी जो फाइनल हमारे पास इमेज आने वाला है वो किस तरह का होगा। और दैट वन 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 एंड वन, सो दैट्स हाउ माय टू स्कैन एल्गोरिदम वर्क्स। अब यहाँ पे जहाँ पहले सिक्स था वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। So final, my final image will be somewhat like this. यहाँ पे थ्री आएगा, so as a whole अगर मैं इसे देखूँ तो I have one component like this. एक मेरे पास component ऐसा है, ठीक है जी, दूसरा मेरे पास कंपोनेंट ऐसा है, थर्ड कंपोनेंट विल बी लाइक दिस, दिस इज माय थर्ड कंपोनेंट इन दिस इमेज। और अब यहाँ से आई एम मार्किंग माय फोर्थ कंपोनेंट। सो ये मेरे पास फोर कंपोनेंट्स, फोर डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए इस जो है इमेज के अंदर यूजिंग टू पास या टू स्कैन एल्गोरिथम। That's how my connected component algorithm works in two-scan algorithm. हमने इसे row by row हमने इसे calculate किया था based upon few assumptions and based upon my algorithm. That's all about two-scan algorithm.